परिवहन विभाग के द्वारा बसों के ड्राइवरों का नेत्र परीक्षण करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि सभी बस चालकों की आंख का परीक्षण कराया जा रहा है और उनकी हेल्थ कार्ड बन रहा है। कचहरी बस स्टैंड पर कैंप लगाकर सभी चालकों का नेत्र परीक्षण किया जा रहा है, जिससे चालकों को बसों को चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। यदि समस्या गंभीर रहती है तो उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। यदि जरूरत पड़ती है तो उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाया जाता है, उसके बाद ही बसों को चलाने दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने कहा, लगभग सभी चालकों का केवल डिपो के ही नहीं बल्कि जो भी मौजूद होते हैं सबका करना होता है। डिपो पे प्रत्येक चालक का जो है नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण होता है। अब तो हेल्थ कार्ड भी बनने हैं, तो लगभग अभी तक का 70-80 हो रहे हैं। समय समय पर हर हफ्ते एक कैंप लगता है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जिनमें ज़्यादा दोष होते हैं, अगर कलर ब्लाइंडनेस हो या किसी में कैटरैक्ट हो, तो उनके लिए अलग से रेफर किया जाता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेज के वहाँ पर उनका ऑपरेशन कराया जाएगा। बाकी सामान्यतः चश्मा उश्मा अगर किसी की ज़रूरत होगी तो वो उसकी सलाह दी जाती है, तभी संचालन कर पाएंगे और दुर्घटना से बच पाएंगे।